द लल्लनटॉप क्विज शो। ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है ये, सही जवाब। जैसे ही आप ये सुनते हैं लल्लनटॉप क्विज शो में, आपको लगता है कि ये जवाब मुझे पता था। अगर आपको पता है तो आप जवाब देने की बारी आपकी है, क्योंकि मैं खेलूंगा लल्लनटॉप क्विज लाइव लल्लनटॉप अड्डा पर तीनों दिन। आइए, आपका इंतजार है। लल्लनटॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में। परीक्षित साहब, इस किताब पे घंटों बात हो सकती है, लेकिन आखिरी में मैं चाहता हूँ जो एक सबक बहुत सीखा इस किताब को पढ़ के, नॉन कन्फर्मिस्ट को, पर जो एक मंजर शायद बुढ़ापे तक मेरे साथ जाए जी, एंड आई सेड व्हेन आई मीन इट, कि एक 10 साल का लड़का है जो समंदर में डूब रहा है, या उसको डर है डूबने का, डूब नहीं रहा है, और बगल में उसका बाप तैर रहा है। व्हाट अ स्टोरी सर, इट्स अ फैक्ट, प्लीज टेल अस अबाउट इट। क्योंकि जब आप बिल्कुल आखिरी में लिखते हो, बिल्कुल आखिरी लाइन, आई कैन सी डैड स्माइलिंग एंड आई हियर हिज वॉइस इन माय इयर्स एट अ बॉय परीक्षित, वो एक प्रसंग जरूर बताइए मेरे दर्शकों को। 9-10 साल के थे आप? यार मुझे बड़ा डर था पानी से, समंदर में वो रोज स्विमिंग करने जाते थे, और समंदर वहाँ पे बम्बई में ऐसा है कि जब मानसून आती है तो बड़ा खूंखार हो जाता है समंदर, जो वेव्स हैं वो बहुत बड़ी ऊंची हो जाती हैं, वहाँ पे टाइड जो है बड़ी बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है, तो मच्छी पकड़ने वाले भी पानी में नहीं जाते उस माहौल में। पर डैडी का उसूल था कि मैं स्विमिंग करनी है हर रोज़, तो आई यूज़ टू टेल हिम कि भाई ये डैड, मैं तो किनारे पे बैठा हुआ देखता रहता था, मैं कहता था डैड मत जाइए बहुत बड़ी बड़ी वेव्स हैं, तो उनका हमेशा कह रहा था कि नहीं यार, जब द सी इज़ रफ, जब ऐसे हालात हो तो मुझे अच्छा लगता है स्विम करना। मैंने कहा टाइड बहुत बुरी है, तो मुझे जब टाइड बुरी हो उसके खिलाफ स्विमिंग करना अच्छा लगता है, तू भी चल। मैं कहा भाई छड्डो, मैं तो थोड़ा बहुत आपने सिखाया पैडल करना, वो मैं ऐसे समंदर में मेरा तो डरता है, वो मुझे लगा कि चैलेंज कर दिया मुझे। मैंने कहा नहीं सर, चलेंगे सर। तूने कहा तो चिंता मत कर, तू पीला पड़ गया, इतने इतने पानी में रहते रहना तू, बस उससे आगे जाएंगे नहीं हम। अब सौरभ साहब, आज तक मुझे वो दिन याद है यार, एब्सोल्यूट पैनिक, इतने पानी में इतनी जोर की टाइड पीछे गई कि आई कुडंट होल्ड ऑन टू द ग्राउंड, वी वर स्वेप्ट आउट। समझ लीजिए 5-10 मिनट में हम लोग कोई आधा मील 6-7 फरलांग पानी के अंदर थे, और ज़मीन कितनी नीचे थी मुझे मालूम ही था, मैं बिल्कुल, मैं तो पैनिक हो गया, मैंने हाथ पांव मारने लगा। डैडी ने कहा बेटे ये हाथ पैर मारोगे मर जाओगे, ये समंदर जो है तेरी माँ है। मैंने कहा डैडी इज़ गॉन मैड यार, समंदर तेरी माँ है, यहाँ दानी याद आ रही है। कहते तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये पानी सॉल्टी है, नमक है इस पानी में, तू रिलैक्स कर, तेरे को ऊपर फेंकेगा, नीचे नहीं ले जाएगा ये, तू फ्लोट कर। मैंने कहा ठीक है, मैं फ्लोट करने की कोशिश की, ही वॉज राइट, फ्लोट करना शुरू किया, तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया, मिल के चलो अरे चलो भाई। अरे मैंने कहा यार इधर हालत ख़राब है, अभी और कितना अंदर जाएंगे, शायद दुबई में निकलेंगे शायद, और यहाँ डैडी गाना गा रहे हैं रेवोल्यूशनरी, तो ही वॉज एक्चुअली वो गा रहे थे मुझे रिलैक्स करने के लिए। लोग इकट्ठे हो गए ब्रदर तट पे देखने लगे एक दूर से कि ये दो लोग फंसे हुए मर गए अभी। एक मिनट हम एक शिखर पर थे वेव की, दूसरे मिनट हम नीचे, तो वो तो समझ रहे थे कि एक बार अंदर गए तो वापस ही नहीं लौटेंगे ये लोग। फिर एक अंग्रेज देखा मैंने, उसने अपनी बोट निकाली और वो हमें बचाने आया, तो मैंने डैडी से कहा कि बच गए डैड बच गए,
तो वो जैसे नज़दीक आया तो मैंने पकड़ ली बोट, डेढ़ने का छोड़ दे, इट्स एन ऑर्डर, जस्ट लीव द बोट। मैंने कहा पापा जी तो आज लगता है कि वाकई गड़बड़ हो गई ऊपर, यहाँ बेचारा आया इतने बुरे मौसम में हमें बचाने के लिए, डैड करे बोट को हाथ मत लगाओ, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। डैडी ने अंग्रेज को कहा, अंग्रेज ने कहा वो उसने भी गालियाँ दी कि किस तू खुद मरना चाहता है, बच्चे को भी मारना चाहता है, चलो बैठो बोट में। डैडी ने कहा कि तुम्हारी हमें ज़रूरत नहीं है, यू इंग्लिश मैन गो बैक, गो बैक, वी डोंट नीड यू। उसमें मुझे डबल मीनिंग अब दिखाई दे रहा है, तो वो भी गाली वाली दे के चला गया, तो मरो तुम लोग साले, इंडियन है सब, कौम ही ऐसी है। बहरहाल फिर गाने शुरू हो गए, देश हमारा धरती अपनी हम धरती के लाल, नया संसार बनाएंगे। मैं कह जी संसार बनाओ तुम, मैं तो गया तो गया, और चलिए द टाइट चेंज सर, आफ्टर टू आवर्स, आफ्टर टू आवर्स, हाँ तो इतनी देर तो पानी में थे हम लोग नहीं, बट आफ्टर वन एंड हाफ आवर्स द टाइट चेंज, आई फेल्ट वी आर बीइंग पुश्ड बैक टू द शो। उन्होंने कहा अभी अब तू स्विम कर, अब तू जल्दी पहुंच जाएगा बीच तक। हम दोनों ने कुछ थोड़ी बहुत स्विमिंग शुरू की, ही वॉज वेरी गुड सर, विद इन हाफ एन आवर वी वर 15-20 मिनट्स वी वर एट द, आई कुड फील द ग्राउंड एंड इट वॉज स्टिल पुशिंग मी। मैं तो बीच पे जाके सो गया सर, बड़ा थका हुआ था, मुझे याद है बेहोश सा हो गया। उठा तो डैडी मेरी तरफ देख रहे थे, उठे खड़े हुए, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, उठे उन्होंने पन कंधे पे हाथ रखा, उन्होंने कहा बेटे ऐसे बहुत वक्त आएगा तेरी लाइफ में, ऐसे लगेगा कि टाइड तुझे लेके गई के गई, याद रखना टाइड ऑलवेज टर्न्स, ये टाइड अपना रुख बदलती है हमेशा, इसलिए कभी हार नहीं माननी और पैनिक नहीं करना कभी भी, पैनिक करेगा किसी सिचुएशन में डूब जाएगा, रिलैक्स कर, फ्लोट कर। और सौरभ भाई उसकी वजह से आज मैं जिंदा हूँ, कई बार टाइड ऐसी लगी मुझे कि मैंने कहा कि ख़त्म हो गया, मगर डैडी की बात याद आई, कभी हार नहीं माननी, टाइड ऑलवेज टर्न्स। तो ये उनका बहुत बड़ा सबक था मेरे लिए, नेवर गिव इन, नेवर गिव इन। तुम मुझे टैलेंट दो, मैं तुम्हें मंच दूंगा, लल्लन टॉप अड्डे का मंच, मंच जिस पर खड़े होकर तुम गाना गा सकते हो, स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो, मिमिक्री कर सकते हो, कोई मजेदार किस्सा सुना सकते हो, कविता सुना सकते हो। लल्लन टॉप अड्डा, जहां तुम पेंटिंग कर सकते हो, स्केच बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो जो तुम्हारी कलाकारी को आसमान पर पहुंचा दे, साथ में जीत सकते हो मौके पर लाखों के इनाम। तो फिर आइए लल्लन टॉप अड्डे पर, दिखाइए अपने हुनर का कमाल। लल्लन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, नई दिल्ली में।